हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस वीडियो में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट की फोर्थ यूनिट को डिस्क्राइब करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग के टॉपिक को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जिसमें हमने जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, फिर उसके डेफिनेशन देखे, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है। तो आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। आज हम इस वीडियो में जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसके प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे, बट मैं यहाँ पर जो कलेक्टिव बार्गेनिंग को शॉर्ट में बताती हूँ कि क्या होता है। देखो, कलेक्टिव मीन्स होता है मिलकर के या मिलना, और बार्गेनिंग मीन्स होता है निगोशिएशन करना, बातचीत करना या डिस्कशन करना। तो यहाँ पर मिल करके किस टॉपिक पर बात की जाती है, किस मैटर पर बात की जाती है, जो वर्कर है और एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयमेंट की जो भी टर्म एंड कंडीशंस रहती है उसके बारे में मिल करके बात करते हैं, उसी को यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। अब हम आज यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो देखो, इसमें फर्स्ट प्रोसेस में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम का, जो भी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम का पता होना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि देखो जैसी प्रॉब्लम होगी उसी के अकॉर्डिंग आगे के स्टेप को डिजाइन किया जाएगा। मान लो कि अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो उसके लिए तुरंत मीटिंग बुलाई जाती है, और अगर प्रॉब्लम बड़ी नहीं है तो उसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है और डाटा को कलेक्ट भी किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कलेक्टिव के लिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय को या फिर ऑर्गेनाइजेशन में या दोनों को लेकर कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके थ्रू हम कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे हैं या हमें उसके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला या सबसे मेन पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि जो भी प्रॉब्लम है उसका पता होना। फिर उसके बाद में हमारा सेकेंड पॉइंट है कलेक्शन ऑफ डाटा। सपोज करिए, अब यहाँ पर सैलरी से रिलेटेड मुद्दा है, ठीक है, सैलरी से रिलेटेड मुद्दा है यहाँ पर। तो जो मैनेजमेंट है और जो लेबर है, तो यहाँ पर जो भी कहना चाहिए कि मैनेजमेंट भी अपना डाटा को कलेक्ट करता है और जो लेबर है वो भी यहाँ पर डाटा को कलेक्ट करता है। मान लो जैसे सैलरी से रिलेटेड मुद्दा है, तो सैलरी से रिलेटेड मुद्दा है तो यहाँ पर मैनेजमेंट क्या डाटा कलेक्ट करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है, हमने एम्प्लॉय का जो भी सैलरी वेजेस कब हाइक किया था, कब अप्रेजल किया था, कितना परसेंटेज किया था, इन सारी चीज़ों का डाटा मैनेजमेंट कलेक्ट करता है। और एक एम्प्लॉय या जो लेबर है वो क्या डाटा कलेक्ट करता है कि हमारा अप्रेजल कब हुआ था, कितना परसेंटेज हुआ था, इन सब चीज़ों का यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसी के थ्रू फिर यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ निगोशिएटर। अब देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि निगोशिएटर का बेटर होना बहुत बहुत ज़रूरी है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है वो निगोशिएटर के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब यहाँ पर देखो, जो एम्प्लॉय है या जो लेबर है उसके साइड से कौन निगोशिएटर रहेगा या कौन उनके लिए निगोशिएट करेगा, इस चीज़ को यहाँ पर देखा जाता है। अब देखो, मान लो कि जो निगोशिएटर है, निगोशिएटर की जो भी स्किल है, एबिलिटी है, नॉलेज है, उसी के ऊपर यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग डिपेंड है। क्योंकि देखो, अगर जो निगोशिएटर है, निगोशिएटर का जजमेंट अच्छा होना चाहिए, उसकी जो साइकोलॉजी है वो अच्छी होना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइजेशन की सारी पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मैटर है, इकोनॉमिक है या फिर जो लेबर लॉ है, सारी चीज़ों के बारे में निगोशिएटर को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर देखो, निगोशिएटर की साइकोलॉजी अच्छी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, तो सामने वाला जब कोई बात कहेगा तो वो किस उद्देश्य से उस बात को कह रहा है, उस चीज़ को यहाँ पर वो पकड़ पाएगा या उस चीज़ को जजमेंट कर पाएगा। तो यहाँ पर निगोशिएटर का बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसकी साइकोलॉजी, उसका जजमेंट, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन, सभी चीज़ें पता होना चाहिए, और ऐसे ही किसी पर्सन को यहाँ पर निगोशिएटर के लिए सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग डिपेंड करती है। फिर है हमारा यहाँ पर क्लाइमेट ऑफ निगोशिएशन। देखो, अब निगोशिएशन के लिए भी क्लाइमेट होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे ही कभी भी निगोशिएट नहीं कर सकते हो, कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर जो निगोशिएशन है, मतलब दोनों पार्टी मीन्स मैनेजमेंट और लेबर, कब बैठेंगे, कब बात करेंगे, उसकी टाइमिंग क्या होगी, जगह क्या होगी, डेट क्या होगी, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग डिपेंड करता है। बार्गेनिंग स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स। अब देखो, यहाँ पर
जो बार्गेनिंग स्ट्रेटजी है, मतलब समझ लो कि यहाँ पर हम सैलरी से रिलेटेड जो भी मुद्दा है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, जो मैनेजमेंट है और जो लेबर है वो आपस में यहाँ पर ये समझ लो कि साथ में निगोशिएटिंग टेबल पर बैठते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए। अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पहले अपनी व्यू पॉइंट देगा और जो लेबर है वो सुनेगा, या फिर जो लेबर है वो अपने कहना चाहिए कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको बताएगा और मैनेजमेंट सुनेगा, उस पर रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि पहले मैनेजमेंट स्टेप लेगा या फिर जो वर्कर है वो स्टेप लेगा, फिर उसके बाद में है फॉर्मलाइजिंग द एग्रीमेंट। अब देखो यहाँ पर 2-3 घंटे बैठ करके जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है उसने क्या किया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। फाइनली सॉल्यूशन निकल भी गया, सॉल्यूशन तो निकल गया। अब मैंने जैसे बताया था कि सैलरी से रिलेटेड अगर कोई मुद्दा है तो यहाँ पर जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को फॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन करना, ऐसा नहीं कि आपने से बोल दिया हो गया, नहीं, उसको प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन करना और उसमें फिर दोनों पार्टी का, मतलब मैनेजमेंट का और जो वर्कर है, दोनों पार्टी के सेल साइन सिग्नेचर भी होना चाहिए। फिर उसके बाद में लास्ट स्टेप है हमारा इन्फोर्सिंग द एग्रीमेंट। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, जो भी हमारा सॉल्यूशन निकला था उसको हमने फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में बदला, मतलब कागज में लिख कर करके रखा। उसके बाद में यहाँ पर अब उसको उस एग्रीमेंट को इन्फोर्सिंग करने का टाइम आया, मतलब यहाँ पर चीज़ों को सिर्फ कागज़ में लिख के नहीं रखना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी तो करना होगा। जैसे मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि मैं आप मतलब एम्प्लॉय की जो भी सैलरी हाइक करना है उसकी सैलरी हाइक में मैं 20% का चेंज नहीं करूँगा, 10% का ही चेंज करूँगा। तो यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट ने कमिटमेंट किया है कि हाँ मैं 10% की सैलरी इंक्रीमेंट करूँगा एम्प्लॉय की, तो उस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना भी बहुत ज़रूरी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कागज़ में लिखा रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर कलेक्टिव बार्गेनिंग डिपेंड करती है, या एक प्रोसेस है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।